संस्कृत साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पुराण साहित्य। वैदिक युग के प्राचीन आख्यानों का संकलन करने के लिए एक पृथक साहित्य भेद का जन्म हुआ जिसे पुराण कहा जाता है। यानी कि जो पुराण वैदिक काल से हमारे ज्ञान परंपरा थी उन सबको संकलन करने के लिए, एकत्र करने के लिए जिस युग का जन्म हुआ उसे पुराण साहित्य कहा जाता है। यानी कि वैदिक युग के प्राचीन आख्यानों का संकलन करने के लिए साहित्य का जन्म हुआ, पुराण कहते हैं उसे। पुराणों के लक्षण, पुराणों के लक्षण की बात की जाती है, इनके पांच लक्षण होते हैं। इसमें एक श्लोक है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वशानुचरितम् च पुराण पंचलक्षणम्। पुराण के पांच लक्षण बनाए गए हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि वशानुचरितम्। यानी कि सर्गश्च मतलब विश्व की सृष्टि प्रक्रिया, प्रतिसर्गश्च मतलब होता है प्रलय और पुनः सृष्टि प्रक्रिया, वंशों मतलब देवताओं और ऋषियों का वंशों का वर्णन, मन्वंतराणि मतलब मनु के काल के समय, और वशानुचरितम् मतलब सूर्य चंद्रमा से उत्पन्न राजाओं का चरित्र। पुराणों का जो विभाजन है, पुराणों का विभाजन दो तरह से किया गया है, उपपुराण और महापुराण। महापुराण भी 18 होते हैं, उपपुराण भी 18 होते हैं। तो पुराण जो होता है, पुराण की संख्या का विभाजन दो तरह से हुआ है। इसमें भी एक श्लोक है, इसको याद करने से शायद पूरा पुराण का विभाजन जो है, महापुराण प्राचीनतम जिनकी संख्या 18 है, महापुराण की भी 18, उपपुराण भी 18 है। मध्वयम भद्वयम चयव्रत्रयम अनापलिंग पुष्कर पुराण पृथक। पुराणों का विभाजन सात्विक तामस और राजस के रूप में भी हुआ है। तो जो मेन चीज़ यही है, मध्वयम भद्वयम चयव्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कर पुराण पुराणान पृथक पृथक। पुराणों की अन्य संख्या का विभाजन जो है सात्विक तामस और राजस के रूप में हुआ है। सात्विक मतलब वैष्णव पुराण कहा जाता है, विष्णु नारद भागवत गरुड़ तथा पद्म वराह पुराण आते हैं। तामस जो शैव का पुराण कहा जाता है, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण तथा स्कंद पुराण इसमें आते हैं। राजस जो ब्रह्मा पुराण कहा जाता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मा व्यवर्थ, मारकंडेय, ब्रह्मा वामन तथा भविष्य पुराण इसमें आते हैं। जो सात्विक तामस और राजस हैं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। पर पुराणों का विभाजन बहुत कम ही पूछता है, पुराण के बारे में अधिकतर पूछता है, और उनकी पुराणों की विषय वस्तु क्या होती है। जो पुराणों की विषय वस्तु जो होती है, ऐतिहासिक सामग्री, भौगोलिक सामग्री, आचार विषयक सामग्री, ज्ञान विषयक सामग्री, धार्मिक सामग्री, दार्शनिक सामग्री, ये जो होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें धार्मिक सामग्री, दार्शनिक सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा।